हेलो फ्रेंड्स, आज हम चावल का ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप नमकीन राइस केक भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ हम एक अच्छी सी चटपटी सी इंस्टेंट बनने वाली साउथ इंडियन कारा चटनी बनाएंगे। और ये चावल का जो केक है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी और बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मज़ेदार रेसिपी की। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं। मेज़रमेंट के लिए आप घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए। और ये चावल आप नॉर्मली जो घर में होते हैं ना वही ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल चावल लेने की ज़रूरत नहीं कि आप लॉन्ग ग्रेन बासमती कोई से भी चावल ले सकते हैं जो आपके पास है। अब चावलों को धोने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे और हाथों से अच्छे से रब करते हुए चावलों को हम तब तक धोएंगे जब तक कि साफ़ पानी ना हो जाए। अब एक बार जिससे कि चावलों को जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च या वाइट पानी होता है वो सब निकल जाए। अब हम चावलों को एक घंटे भिगोकर रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट या पूरी रात भी भिगोकर रख सकते हैं। अब चावलों को भिगोकर साइड में हम रख देंगे। आप चाहें इसमें 40 मिनट भी लग सकते हैं और एक घंटा भी लग सकता है। तो हम साइड में रख देंगे और एक घंटे बाद हम देखेंगे कि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम इस तरह चावलों को दबा के देखेंगे तो इस तरह आराम से टूट जाएंगे। तो इसका मतलब है चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब चावलों को पानी निकालने के लिए हम ऐसे छलनी लेंगे और इसमें से जितना भी चावलों में एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकाल देंगे, क्योंकि हमें मिक्सर में चावलों को पीसना है और इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। हम जिस कप से मैंने चावल लिए थे उसी कप से मैंने आधा कप दही ली है। और अगर दही खट्टी है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो दही होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आपको दिख ही रहा होगा कि ये बैटर कितना फ्लो करता हुआ है और चावल अच्छे से बारीक पीस गए हैं। अब हम चावलों के इस बैटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें मैंने बाइंडिंग देने के लिए आधा कप सूजी यूज़ की है। सूजी आप मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके पास है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने सूजी डाली है तो जाहिर सी बात है कि सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इसे थोड़ा साइड में रख देंगे। पहले तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसे और इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए ढककर। और तब तक हम अपनी इंस्टेंट बनने वाली साउथ इंडियन काढ़ा चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और थोड़ा सा या 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें तेल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कोई और तेल या जो भी आप खाते हैं वो ले सकते हैं। तेल के गर्म होते ही 1 चम्मच हम चना दाल डालेंगे और 1 चम्मच हम उड़द दाल डालेंगे। 3-4 लहसुन की कली डालेंगे और 2 मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और इन्हें हम एक बार या थोड़ी देर के लिए इस तरह फ्राई कर रोस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे या मतलब रोस्ट कर लेंगे। और दाल को हम ध्यान रहे कि मतलब जलाना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि ब्राउन हो जाए, अच्छे से पक जाए। इसके ये नहीं कि आप जला ही दो इसे। फिर जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगी दाल और प्याज भी अच्छे से थोड़ी सी मतलब ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसमें एक बड़ा साइज़ का टमाटर डालेंगे और इसे टमाटर के डालते ही हम इसमें नमक डालेंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। और इसे हम ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। अब मुझे इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि मैं अगर इस तरह प्रेस करूंगी तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे मिक्सर में डालेंगे और इसमें मैंने आधा नींबू का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह इमली भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इमली नहीं है तो अमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चटनी को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक डाला है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस चटनी को आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छे से पीस भी गई है। तो अब इस चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और तब तक हम जो हमारा बैटर था उसको हम देखेंगे कि हमें 10 मिनट हो गई हैं और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। इसने पानी अच्छे जो दही का जो अब पानी था वो अच्छे से सोख लिया है। अब जो मिक्सर था उसमें जो चावल का थोड़ा बैटर रह गया था मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 चम्मच पानी डाल के उसी पानी को इस बैटर में डाल दिया है। और अब बैटर थोड़ा फ्लो करता हुआ है, मीडियम कंसिस्टेंसी का है। इसमें मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम तड़के के लिए थोड़े से सरसों का तेल लेंगे। तेल के गर्म होते ही सरसों डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे और फिर इसमें बारीक कटा हुआ
कड़ी पत्ता डालेंगे और जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा हम इसमें से एक चम्मच तो चटनी में डाल देंगे और थोड़े से तड़के को हम बैटर में डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको दो बार मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और एक ही तड़के से आपका दो काम हो जाएंगे। अब चटनी तो हमारी बनके तैयार है, हमने तड़का भी लगा दिया और ये बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी और इसे आप ज़रूर बनाएं और इसे टमाटो केचप की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छी सी चटनी बनेगी। तो अब हमने जो बैटर में तड़का डाला था इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में और फिर हम इसमें मैंने इसमें ट्रे ली है, तो आप चाहें तो आपके पास कोई सी भी थाली हो, ट्रे हो या कुछ भी हो आप वो ले लीजिए और फिर इसको घी या तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि जो आपका नाश्ता है वो चिपके ना। अब बैटर को हम एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि मीडियम का टाइप की कंसिस्टेंसी है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाला है, जिसे खाने का भी सोडा कहते थे, और इसकी जगह आप चाहें तो इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, जिससे कि यह नाश्ता फीका नहीं लगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और प्लेट में हम इसे बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, मतलब 3/4 भरना है कि जिससे कि जो नाश्ता है फूले तो इसको जगह भी मिल जाए। इसलिए अब मैंने एक पतीला लिया है और उसमें ये इस तरह की आप चाहें तो स्टैंड रख सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं है तो आप इस तरह कोई भी कटोरी रख सकते हैं छोटे साइज़ की, और कटोरी में भी थोड़ा सा पानी डालिए जिससे कि ये जब ये बाद में स्टीम हो तो ये हिले नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इस तरह हम ट्रे को रख देंगे और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक ये अच्छे से स्टीम नहीं हो जाता। अब 10 मिनट बाद मैंने देखा है कि अच्छे से स्टीम हो गया है, इसके लिए मैंने एक टूथपिक साकेट देखी है कि ये बिल्कुल ही क्लीन निकल रही है, तो इसका मतलब है कि नाश्ता अच्छे से पक गया है या बन गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सा फ्रेश धनिया डाला है, इससे क्या होगा कि दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी, आपके पास ये ऑप्शनल है, दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने डाल दिया, आप चाहें तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं। और इस तरह आपको कट करने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना स्पॉन्जी बना है और ये बहुत ही आराम से कट भी हो रहा है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कैसे भी कट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो या आपकी मर्जी हो उस टाइप में, मैं साइड में से भी स्क्रैप कर लीजिए ताकि आसानी से निकल सके। ये नाश्ता जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है, बस चावलों को भिगोने में आप चाहें तो सुबह जैसे आपको बनाना हो तो इसे आप नाइट में चावलों को भिगो कर रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी बना है और बहुत ही दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को या बड़ों को, जो आपके घर में कोई गेस्ट है तो आप इसे बना कर ज़रूर खिलाएं। और इसी के साथ ये अच्छी सी चटनी इंस्टेंट बनने वाली साउथ इंडियन चटनी भी दीजिए तो उन्हें बहुत ही टेस्टी लगेगी, और बच्चों को दीजिए तो अच्छी बात है क्योंकि वो टमाटो केचप की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वैसे मैंने आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाली है तो थोड़ा काम था इसलिए, वैसे अब मैं कंटिन्यू डालूंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लाइक करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है और चावल की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनेगी। तो मिलते हैं फिर किसी रेसिपी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।